नमस्कार, मैं हूं मनन गोस्वामी। आप देख रहे हैं अपना लाइव डॉट न्यूज। फटाफट खबरों में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की सबसे महत्वपूर्ण और शोकाकुल खबर की आज हमारे बीच गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर नहीं रहे। लंबी बीमारी के कारण कल उनका निधन हो गया। ईश्वर उनकी मृत आत्मा को शांति दे या उनके परिवार वालों को इस दुख की घड़ी में धैर्य और साहस दे, यही हम लोगों की कामना होगी। क्योंकि हम लोगों ने अपने बीच एक ऐसे अच्छे व्यक्तित्व को खो दिया है जो अपूर्णीय क्षति है। हम लोगों के साथ साथ पूरे देश को इसे खोने का दर्द है। इनके शोक में भारत सरकार ने आज राष्ट्रीय शोक मनाने का फैसला किया है। दूसरी महत्वपूर्ण खबर, होम लोन और कार लोन पर पीएनबी ने लाया है आपके लिए बहुत बड़ा तोहफा। अगर आप इस महीने घर और कार खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर मौका है, क्योंकि सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक अपने ग्राहकों के लिए फेस्टिवल बोनांजा लेकर आया है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर है बच्चों की सेहत को बेहतर रखने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल CBSE ने दूसरे से आठवीं क्लास के बच्चों को स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा के जरिए खेलों से जोड़ने का फैसला किया है। इसके तहत बच्चों को अब कम से कम एक घंटा स्कूल में खेलना होगा। अगला चौंकाने वाला समाचार, प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर अपना नाम बदल दिया है। अब वे अपना नाम चौकीदार नरेंद्र मोदी लिखने लगे हैं। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री के अलावा बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, रेल मंत्री पीयूष गोयल समेत कई नेताओं ने ट्वीट पर अपने नाम के आगे चौकीदार शब्द जोड़ने का परंपरा शुरू किया है। अगली खबर, किसी हादसे में घायल होने वाले व्यक्ति की मदद करने वालों को अब पुलिस बेवजह परेशान ना करके उसे पुरस्कृत करने में मदद करेंगे। व्यक्ति का अगर कुछ पैसा भी खर्च हो जाता है तो उसे मुआवजा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पुलिस मुख्यालय ने यह घोषणा की है। दोस्तों, अगली खबर है आइडिया ने अपने ग्राहकों को होली पर एक तोहफा देते हुए बड़े ऑफर का ऐलान किया है, जिसमें 399 में इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग साल भर फ्री सब्सक्रिप्शन कर मजा ले सकते हैं। बैंक कस्टमर के लिए एक फायदेमंद खबर, अब बैंकों में लंच के नाम पर आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसका खुलासा RBI ने सूचना के अधिकार के तहत किया है। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बिना लंच ब्रेक के बैंकों ग्राहकों का सेवा देना है। बैंक अधिकारी अपना लंच बारी बारी से कर सकते हैं, जिससे नॉर्मल ट्रांजैक्शन प्रभावित न हो। अधिकतर ऐसा देखा जाता है कि पब्लिक सेक्टर के बैंकों में लंच टाइम का बोर्ड लगा दिया जाता है, जिससे ग्राहकों को घंटों इंतजार करना पड़ता है, जबकि नियमों के मुताबिक ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए बच्चों को निजी स्कूलों में निःशुल्क दाखिले के लिए शिक्षा निदेशालय ने नियम जारी कर दिया है। शिक्षा के अधिकार द्वारा 134A के तहत केंद्र सरकार के नियम के आधार पर आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को भी इसका लाभ देते हुए BPL यानी गरीबी रेखा से नीचे वर्ग के छात्रों को निजी स्कूलों में निःशुल्क दाखिला लेने का प्रावधान होगा। दोस्तों, अगली खबर, युवाओं के लिए रंगों का त्यौहार होली आने वाला है। होली जैसे रंगों के बिना अधूरी है, वैसे ही गानों के बिना भी होली में रंग नहीं जमता। इसे ध्यान में रखते हुए IRCTC ने एक बेहद मज़ेदार प्रतियोगिता का ऐलान किया है। इस कॉन्टेस्ट के तहत आप अपने पसंदीदा बॉलीवुड गाने पर परफॉर्म करके शानदार इनाम जीत सकते हैं। दोस्तों, हालांकि शर्त यह है कि गाने सिर्फ होली पर आधारित होने चाहिए, और ऐसे गानों की बॉलीवुड में कमी नहीं है। अगली महत्वपूर्ण खबर, देश का एक बड़ा बैंक अपना नाम बदलना चाहता है, लेकिन RBI इसके पक्ष में नहीं है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने IDBI बैंक को विगत कुछ दिनों पहले गवर्नमेंट सेक्टर से हटाकर प्राइवेट बैंक घोषित कर दिया है, जिस कारण
IDBI बैंक अपना नाम बदलना चाहती है, जिसके प्रस्ताव को RBI ने स्वीकार नहीं किया है। दोस्तों अगली खबर बेनामी संपत्ति और काले धन पर रोकथाम के लिए है। इनकम टैक्स विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ऐसे लोगों को नोटिस भेजा है जिन्होंने संपत्ति की खरीद फरोख्त में 5 लाख से ज़्यादा का नगद लेन देन किया है। यह नोटिस उन लोगों को भेजा गया है जिन्होंने जून 2015 से दिसंबर 2018 के बीच संपत्ति की खरीद फरोख्त हेतु नगद लेन देन की है। अगली बड़ी खबर, अच्छी खबर, 14 दिन बाद नए वित्तीय वर्ष 2019-20 में लागू होगा इन पैन कार्ड का नियम। यह ग्राहकों को सुविधा के लिए किया जा रहा है। 1 अप्रैल से उपभोक्ताओं को सुविधा के लिए ई पैन कार्ड बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। ऑनलाइन साइट पे जाकर आप कुछ मिनट में ही ई पैन कार्ड ले सकेंगे। पैन कार्ड बनाने के लिए आपको आधार कार्ड देना अनिवार्य होगा, जिससे आपके एड्रेस प्रूफ की वेरिफिकेशन हो सके। दोस्तों अगली बहुत ही बड़ी खबर, RSS नेता इंद्रेश कुमार ने कहा कि 2025 तक भारत का हिस्सा बन जाएगा पाकिस्तान। यह बातें उन्होंने शनिवार को मुंबई के कश्मीर मसले पर दिए एक भाषण में कही। उन्होंने यह भी कहा कि आप लिख लीजिए 5 से 7 साल बाद आप कहीं कराची, लाहौर, रावलपिंडी और सियालकोट में भी मकान व जमीन खरीद सकेंगे और बिजनेस करने का भी मौका मिलेगा। यह खबर इंडियन एक्सप्रेस से आई है। इंद्रेश कुमार ने यह भी कहा कि 1947 के पहले पाकिस्तान नहीं था, उससे पहले वह हिंदुस्तान था, 2025 के बाद फिर से वह हिंदुस्तान हो जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अखंड भारत का सपना जल्द ही पूरा होगा। भारत सरकार ने पहली बार कश्मीर पर टफ लाइन दी है। अगली बहुत ही महत्वपूर्ण खबर, देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक अपनी डिजिटल सेवाओं को बढ़ाने का ध्यान देते हुए एक योजना अगले 2 साल के अंदर ला रही है, जिससे सभी तरह के लेन देन को एक प्लेटफॉर्म पर ला दिया जाएगा। यह काम बैंक अपने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म यानी कि वहीं से मदद करेगा। अगली बहुत ही महत्वपूर्ण खबर, 26 मार्च को RBI के गवर्नर शांतिकांत दास आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने के लिए करेंगे बैठक, जिससे अर्थव्यवस्था को देंगे नई रफ्तार। इस बैठक में उद्योग मंडल और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। अगली बहुत ही महत्वपूर्ण खबर, पाकिस्तान में पनाह लिए हुआ है जैसे मोहम्मद का आतंकी मसूद अजहर, चीन की वजह से एक ग्लोबल आतंकी घोषित नहीं हो सका, जिससे भारतीयों में नाराजगी है। लेकिन कई व्यापारिक संगठन चीनी सामान खरीदने की अपील ग्राहकों से कर रही है। उसी बीच चीन की दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा बिना किसी व्यापारिक चेन के भारत में जमकर व्यापार कर रही है। भारतीय ग्राहकों सीधे इस ऑनलाइन कंपनी को खरीदारी के ऑर्डर दे रहे हैं, जिस कारण महज 4 साल में अलीबाबा की यूजर्स 4 लाख से बढ़कर 45 लाख हो गए हैं, जो देश के लिए चिंता का विषय है। अतः आप ग्राहकों से अनुरोध है कि आप लोग चाइनीज सामान न खरीदें और न ही बेचें, इसका बहिष्कार करें, तभी देश हित की बात होगी। अगली खबर, रिलायंस जियो अगले साल 5G लॉन्च कर वोडाफोन आइडिया और एयरटेल को दे सकता है बड़ा झटका। एक अजीबोगरीब आश्चर्यजनक सूचना जिसे सुनने पर आप भी हो जाएंगे अचंभित। एक परफ्यूम की एक सीसी मतलब एक बोतल की कीमत 7 करोड़ है, जो 20 किलो सोना की कीमत के बराबर है, जो दुनिया का सबसे महंगा परफ्यूम है। न जाने इसका उपयोग कौन लोग करते हैं, और जो लोग करते होंगे उनके रहीसी का भी हद होगी, क्योंकि इसके लिए हम लोग आमतौर पर 100, 200, 500, 1000 बाजार से खरीद कर उपयोग कर लेते हैं, लेकिन इस परफ्यूम की कीमत 20 किलो सोना के कीमत के बराबर है। पता नहीं कौन लोग ऐसे परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं। तो फटाफट खबरों में आपने देखा आज की ताज़ा खबरें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें, अपना सुझाव हमें दें।
और जो बंधु चैनल पर नए हैं उनसे आग्रह है चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं पेज को लाइक करें। अगर आप वीडियो ये यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर कोई अगली खबर के साथ। बने रहें अपना लाइव डॉट न्यूज़ के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।